डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे फिग कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आप फिग से रिलेटेड सभी प्लांट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फिग, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस कैरिका, फैमिली है इसकी मोरेसी, और अगर इसका ओरिजिन देखें तो वेस्टर्न एशिया जो है इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसके अलावा अरेबियन पेनिनसुलर रीजन जो है वह इसके ओरिजिन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसका एडिबल पोर्शन। तो इसका एडिबल पोर्शन जो होता है फ्लैशी रेसिप्टेकल होता है, यानी गुद्देदार पुष्पाशन जो है यह इसका खाद्य भाग होता है। और इसमें गुणसूत्र संख्या जो है मोनोसोमिक नंबर एक्स इज इक्वल टू 13 होता है। और फिग जो है डिप्लॉयड होता है, इसलिए इसमें सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर 2n इज इक्वल टू 26 होता है। और इसका जो पुष्प क्रम होता है या फ्रूट टाइप होता है वह साइकोनियम होता है। तो साइकोनियम क्या होता है इसे हम आगे देखेंगे। तो जो फाइकस कैरिका है या जो फिग है वह गायनोडायोएसियस स्पीसीज है। तो फ्रेंड्स, ये गायनोडायोएसियस, डायोएसियस, मोनोएसियस, ये सभी डिफरेंट सेक्स फॉर्म होती है, जिसको कि आप मेरे पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है पीछे की क्लास में, तो उसमें आप इसको इजीली समझ पाओगे कि ये क्या क्या किस तरह की ये सेक्स फॉर्म है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, उसमें अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यह है ड्राई फिग है, सूखी अंजीर है। फाइकस कैरिका इज वन ऑफ द एंशियंट फ्रूट मेंशन इन बाइबल, यानी जो फिग है इसको बाइबल में भी मेंशन किया गया है, यानी इतना पुराना यह फल होता है फल है। और यह एक डेसिड्यूस और सब ट्रॉपिकल ट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है, ड्रॉट और सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। यहाँ पर आप फिग की लीव्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो वर्ल्ड की 30% फिग का प्रोडक्शन तुर्की में किया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है फिग का वह तुर्की में होता है। और अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में फिग को माइनर फूड क्रॉप की तरह ग्रोन किया जाता है। और इसका कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वह वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में है। यहाँ पर आप इसकी फ्रूट की स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। अब फिग इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रूट प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग, यानी यह सुखाने की विधि के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। इसका फ्रूट जो होता है यूनिक होता है। यूनिक कैसे होता है, जैसे हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी फ्रूट है वह एक राइपन ओवरी है, मेच्योर ओवरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिग्स एडिबल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ स्टेम टिश्यू, यानी यह एक स्टेम टिश्यू से बना हुआ है फ्रूट। द फिग फ्रूट इज एन इन्वर्टेड फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट्स एनक्लोज्ड इन स्टेम टिश्यू, बॉटनिकली नोन एज अ साइकोनियम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे बताया था कि इसके फ्रूट को या फ्रूट टाइप को या इनफ्लोरेसेंस को हम साइकोनियम कहते हैं। तो जो फिग का फ्रूट है वह भी इन्वर्टेड फ्लावर होता है, जिसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर पार्ट है वो स्टेम टिश्यू के अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं, इसी को साइकोनियम कहते हैं। तो मैच्योरिटी होने पर क्या होता है, एट मैच्योरिटी द इंटीरियर ऑफ द फिग कंटेन्स ओनली द रिमेन्स ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्मॉल ग्रीटी स्ट्रक्चर कॉमनली नोन एज सीड, यानी मैच्योरिटी हो जाने पर इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें सीड्स ही रहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिग। तो फ्रेंड्स, जो फिग के फ्लावर में सेक्स फॉर्म है या उसके पोलिनेशन का जो मेथड है वो अलग अलग होता है, उसी के बेस पर यह फिग जो है 4 टाइप की होती है। कॉमन फिग या एडिबल फिग, स्मायरा फिग, कैप्री फिग या वाइल्ड फिग और सान पेड्रो फिग। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन फिग, जिसे हम एडिबल फिग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वह पार्थेनोकार्पिकली होता है, इसके अंदर पोलिनेशन की या कैप्रिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और कॉमन फिग में जो पार्थेनोकार्पी की फिनोमिना है वह क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो जो कॉमन फिग होता है वह डेट्स के बाद शुगर में रिचेस्ट सोर्स होता है।
और कॉमन फिग के पॉपुलर कल्टीवर्स अगर हम देखें तो इसमें आता है पूना, कोनार्डिया, मिशन कटोड़ा, ब्राउन टर्की। अब देखते हैं स्माइराना फिग, तो इसमें जो फ्रूट है उसका डेवलपमेंट पोलिनेशन के द्वारा होता है, और इसके पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन कहाँ से मिलते हैं, कैप्री फिग से, और इसमें पोलिनेटिंग एजेंट होता है फिग वास्ट, और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है कैलिमारेना है, और कैलिमारेना जो है एक पिस्टिलेट टाइप ऑफ फिग है, यानी इसमें मादा पुष्प का ही प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, कैप्री फिग और वाइल्ड फिग। तो फ्रेंड्स कैप्री फिग जो होती है मोनो एसियस स्पीसीज होती है, यानी मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर होते हैं। यह एडिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे जो फिग वास्प है, ब्लास्टोफेगा पिसेंस है, उसके हार्बर के लिए इसको लगाया जाता है, और यह पोलिनेशन और फ्रूट सेटिंग के लिए लगाना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सान पेड्रो फिग। यह जो फिग है वह कॉमन फिग और स्माइराना फिग का इंटरमीडिएट माना जाता है, और इसकी जो फर्स्ट क्रॉप होती है जिसका कि पार्थेनोकार्पिकली प्रोडक्शन होता है उसे ब्रेबा कहा जाता है। इसी तरह इसकी सेकंड क्रॉप जो होती है मेन क्रॉप होती है, इसके लिए स्माइराना फिग की तरह पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब फिग में पाया जाने वाला एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, फिसिन है, और जो फिग का प्लांट है उसके अंदर अगर हम निमेटोड रेजिस्टेंट स्पीसीज को देखें तो जो फाइकस ग्लोमेराटा है, यानी जो गूलर है, वह एक निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक की तरह काम में लिया जाता है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो फिग है उसमें डेट्स के बाद शुगर जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो वर्ल्ड का 90% जो फिग है वह ड्राइड फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है, और इसमें सभी फ्रूट्स के बजाय जो फाइबर कंटेंट है वह भी ज्यादा पाया जाता है। अगर न्यूट्रिटिव इंडेक्स को देखें तो फिग का जो न्यूट्रिटिव इंडेक्स है वह 11 होता है, और अगर हम एप्पल का देखें तो 9 होता है, रेजिन का यह 8 होता है, और डेट्स जो डेट्स होते हैं उनकी 6 न्यूट्रिटिव इंडेक्स पाया जाता है। यहाँ पर ये आप फिग की लीफ स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं क्लाइमेट एंड सोइल। तो फ्रेंड्स यह एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरह से ग्रोन किया जा सकता है, और जो प्लांट्स होते हैं वह 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन 39 डिग्री सेंटीग्रेड से अबो टेम्परेचर होने पर इसकी फ्रूट क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट हो जाती है, और जो मैच्योर ट्री होता है वह अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं और उसमें विदस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुड ग्रोथ के लिए 15 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यह एक सॉल्ट और ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, और इसको किसी भी प्रकार की सोयल में ग्रोन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मीडियम टू हैवी कैल्सेरियस वेल ड्रेन्ड अबाउट 1 मीटर डीप सॉइल विद पीएच ऑफ 7 to 8 इज सुटेबल फॉर फिग कल्टिवेशन। यानी इसको किसी भी तरह की सॉइल में ग्रोन किया जा सकता है, बस बात इस बात का ध्यान रखना है कि जो सॉइल है वह 1 मीटर डीप होनी चाहिए, और उसका पीएच जो है 7 to 8 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप फिग के जो फ्रूट है उनको लगने की पोजीशन देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं फ्रूट सेट एंड यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो फ्रेंड्स हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि फिग में फ्रूट्स का प्रोडक्शन पार्थेनोकार्पिकली होता है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सेट को एनहेंस करने के लिए NAA और IBA का जो स्प्रे है 25 PPM का, उसका स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज पर करना चाहिए। इसी तरह जो स्माइराना फिग है उसके बीच में कैप्री फिग की इंटरप्लांटिंग करना जरूरी होता है, जिससे कि इफेक्टिव फ्रूट सेट किया जा सके। इसी तरह प्रॉपर शूट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए या फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिक एसिड का भी स्प्रे किया जाता है। यहाँ पर आप ड्राइड फिग को देख पा रहे होंगे, मार्केट में इस तरह से ये लच्छे बने हुए आते हैं।
अब देखते हैं वैरायटीज, तो इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है काबुल, बेंगलोर, लखनऊ, पूना फिग, मार्सेलिस, ब्लैक इश्किया, ब्राउन टर्की, सान पेड्रो। तो फ्रेंड्स जो पूना फिग है मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर है जो कि इंडिया में ग्रोन किया जाता है। इसके अलावा जो कोनार्डिया है वह ड्राइंग के लिए, एक्सेल केनिंग के लिए, डियाना जो है टेबल के लिए पर्पज के लिए काम में ली जाने वाली वैरायटी है। और जो पूना फिग है वह फाइकस केरिका और फाइकस क्लोमराटा के बीच का हाइब्रिड माना जाता है। और इन इंडिया पूना इज द मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर ग्रोन फॉर कंजप्शन एज फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेंड्स पूना जो वैरायटी है उसको फ्रेश फ्रूट की तरह भी काम में लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इसको ड्राइड फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है, ड्राइड फॉर्म में ही खाया जाता है, लेकिन पूना फिग को हम फ्रेश फ्रूट की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। तो रिसेंटली दिनकर वैरायटी जो है वह दौलताबाद से लिया गया अप्रूव्ड वैरायटी है, जिसकी फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और यील्ड भी बहुत अच्छी मानी गई है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है वाइट एड्रियाटिक, ब्लैक मिशन, कटोड़ा, कोनार्डिया, कैलमन, सुल्तानी। और स्मरना टाइप्स में आता है पॉपुलर टर्किश कल्टीवर जिसे कि हम सेरिकोप कहते हैं टर्की में, और कैलिमराना यूनाइटेड स्टेट में कहते हैं। तो यह है सभी स्वायरना टाइप में आते हैं। अब देखते हैं इरिगेशन में, तो फ्रेंड्स फिग जो है हीट और ड्रॉट कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, और फ्रिक्वेंट इरिगेशन और एक्सेस सोइल मॉइस्चर प्रोवाइड करने से जो फिग है उसके फ्रूट्स में स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाती है, और जो प्लांट है उसको जो फ्रूट राइपनिंग की स्टेज पर कोई भी किसी भी तरह की से हमें इरिगेशन नहीं करनी है। इरिगेशन करने से जो फ्रूट है वो इंसिपिड फ्रूट का प्रोडक्शन होता है और उसमें फ्रूट्स में ब्लेंड टेस्ट आ जाता है। और नॉर्थ इंडिया में अगर फ्लावरिंग देखें तो स्प्रिंग सीजन में वंस टाइम इसमें फ्लावरिंग होती है और क्रॉप जो है मई में रेडी हो जाती है, लेकिन साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में फिग की क्रॉप जो है जुलाई से सितंबर और फरवरी से मई में आती है। तो इंडियन फिग में फ्रूट सेट जो है विदाउट पोलिनेशन पार्थेनोकार्पिक होता है, और अगर इसमें पार्थेनोकार्पी देखें तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो जो कैप्री फिग होता है उसमें फंक्शनली मेल फ्लावर होते हैं जो कि एडिबल फिग में पोलिनेशन का काम करते हैं। और अब आते हैं कैप्रिफिकेशन। तो फ्रेंड्स कैप्रिफिकेशन क्या है? कैप्रिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन, इट रेफर्स टू पोलिनेशन ऑफ कॉमन फिग विद कैप्रिफिग, यानी जो कॉमन फिग है उसमें पोलिनेशन के लिए कैप्रिफिग का प्रयोग किया जाता है। पोलन्स ऑफ कैप्रिफिग आर ट्रांसफर टू कॉमन फिग बाय अ वास्प ब्लास्टोफेगा पिसेंस। तो यह जो वास्प है इसके द्वारा ही इसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किया जाता है। अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है न्यू ग्रोथ और फ्लावर बीरिंग वुड को इंड्यूस करने के लिए प्रूनिंग करना जरूरी होता है, और टाइम और अमाउंट ऑफ प्रूनिंग जो है वह प्लांट की ग्रोथ हैबिट और बियरिंग हैबिट पर डिपेंड करता है। इसी तरह जो लेटरल्स होता है उनका प्रोडक्शन करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो विग्रस अपराइट ब्रांचेस होती हैं उनमें नोचिंग की जाती है, यानी जो आगे बढ़ती हुई जो शाखाओं के अग्रभाग है उनको नोचिंग कर दिया जाता है ताकि पार्श्व शाखाओं का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो अगर हम पूना फिग में देखें तो लाइट प्रूनिंग जो है अक्टूबर में की जाती है, और वैसे जो प्रूनिंग है दिसंबर के मंथ में सभी वेराइटीज में की जाती है। अब देखते हैं प्रोपेगेशन। तो फ्रेंड्स फिग का प्रोपेगेशन जो है हार्डवुड कटिंग के लिए किया के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए जो कटिंग है वह 3 ईयर ओल्ड वुड से लेनी चाहिए, और इसकी जो लेंथ है 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और डायमीटर जो है 1.5 सेंटीमीटर जो होता है वह बेस्ट रहता है, उसमें बेस्ट रूटिंग होती है। और नॉर्थ इंडिया में कटिंग का टाइम अगर देखें तो जनवरी फरवरी के टाइम में प्रूनिंग के टाइम इसकी कटिंग ली जाती है, और अगर साउथ इंडिया में देखें तो कटिंग का टाइम जो है रेनी सीजन है। अब देखते हैं प्लांटिंग। तो फ्रेंड्स इसकी प्लांटिंग जो है स्क्वायर सिस्टम में की जाती है, और अगर स्पेसिंग देखें तो 5 x 5 मीटर पर 160 प्लांट
पर एकड़ लिया जा सकता है। और अगर हम प्लांटिंग सीजन देखें तो साउथ इंडिया में यह अगस्त से सितंबर में लगाए जाते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसकी प्लांटिंग जो है जनवरी से फरवरी में की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक्सल और कोनार्डिया जो वैरायटी है वह हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल रहती है और इनमें स्पेसिंग देखें तो 2.5 to 2.5 मीटर की स्पेसिंग रखी जाती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। अब देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। तो फ्रेंड्स, इसमें लगने वाले मेजर पेस्ट हैं स्टेम बोरर, लीफ डिफोलिएटर और फिग फ्लाइज। और अगर डिजीज़ देखें तो इसमें लगने वाली इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो है रस्ट है, इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है सेरोटोलियम फीसी। और इसके अलावा इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी लगते हैं जैसे कि सन बर्निंग, क्रैकिंग ऑफ स्टेम, इरप्शन ऑफ स्किन, तो यह सभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर जो है वह फ्रूट स्प्लिटिंग का कारण बनते हैं और लो फ्रूट क्वालिटी होती है। तो इसी तरह एक्सेस इरिगेशन और हैवी रेन अगर राइपनिंग के दौरान हो जाती है तो फ्रूट में क्रैकिंग हो जाती है और फ्रूट का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और अब देखते हैं इसमें हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो फ्रेंड्स, जो फिग का ट्री होता है इसमें 2 क्रॉप आती है एक साल में। फर्स्ट क्रॉप जो है वो आती है वुड ऑफ द प्रीवियस सीजन और सेकंड क्रॉप जो है न्यू वुड ऑफ करंट सीजन पर आती है। और जो फिग का ट्री है उसमें बेयरिंग एज जो है सेकंड ईयर होती है और कमर्शियल प्रोडक्शन जो है थर्ड ईयर से शुरू हो जाता है। और इसमें अगर इसके इकोनॉमिक लाइफ देखें तो यह 35 ईयर तक रहती है और जैसे जैसे कैनोपी साइज बढ़ता जाता है इसकी यील्ड बढ़ती जाती है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग सीजन। तो इसका हार्वेस्टिंग सीजन जो है बेयरिंग हैबिट के अकॉर्डिंग फरवरी, मार्च और मई, जून है। और इसमें हार्वेस्टिंग साइन अगर हम देखें तो पिकिंग जो फ्रूट की है वह तब करनी चाहिए जब फ्रूट जो है सॉफ्ट हो जाए और जो उसके नेक पर विल्टिंग आनी शुरू हो जाए। अगर फ्रूट्स को इमेच्योर ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो इसमें मिल्की लेटेक्स जो है वह उज होने लग जाता है। और अगर इसमें यील्ड देखें तो 180 से 360 फ्रूट जो है पर ट्री पर ईयर प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने फिग कल्टीवेशन को देखा है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखा है और एग्ज़ाम में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखा है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।